दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मोती झील से लगाकर गुरुदेव तक की जो मेट्रो की अपडेट है वो देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। सारी जानकारी देंगे कि कितना कंप्लीट हो गया है, सारा व्यू दिखाएंगे कि कैसा दिखता है मेट्रो कानपुर का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। अभी मैं मोती झील का जो स्वरूप नगर मेट्रो स्टेशन है यहीं पर हूँ और देख सकते हो कुछ इंटीरियर वगैरह ये है, सीढ़ियों का जो काम है वो हो रहा है। बाकी मैंने हर जगह का अलग अलग वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर आप देख सकते हो, इन स्क्रीन पे मैं दे दूंगा। और अभी क्या है, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं धीरे धीरे, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और यहीं से अभी हम शुरुआत करेंगे और चलेंगे और दिखाएंगे आपको जो पूरा व्यू वगैरह कैसा है। तो वीडियो को ज़रूर देखें और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक कर दें। और चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा कैसा व्यू है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी हम जो है गोल चौराहा जो है वहाँ पे आ चुके हैं, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से है गोल चौराहा, और इसको गोल चौराहा बोलते हैं। ये जो है जेके टेंपल है, बिल्कुल नज़दीकी में पड़ता है। जब मैंने जेके टेंपल का जो वीडियो बनाया था तो गोल चौराहा का बात किया था, तो यही है गोल चौराहा। अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है, और इधर इधर चलो कोई दिक्कत नहीं, उधर ही से ले लीजिए। अरे कहाँ उल्टे को चलिए, उधर उधर खड़े कर लिए साइड पर। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो गोल चौराहा है, तो दिख रहा है अभी आप देख सकते हो थोड़ा। तो ये है दोनों, अभी क्या है मैं दोनों भी फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस तरह से वॉइस अभी क्या है थोड़ा वॉइस को हो ही सकता है क्योंकि इतनी भीड़ भी है। तो ये अभी आप देख सकते हो आगे फिर से जो है मेट्रो मिल गई है, और अभी हम जो है हमारा अगला जो स्टेशन है वो रावतपुर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो। तो अभी हम रावतपुर चल रहे हैं, आगे जो है हृदय रोग संस्थान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हाँ, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही है एक हृदय रोग संस्थान जो कि आपको देखने को मिल जाता है। ये इस साइड पे है हृदय रोग संस्थान, ये आप देख सकते हो। तो अभी हम चल रहे हैं और रावतपुर का आपको जो है मेट्रो स्टेशन दिखाते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो काम जो है क्रेन से हो रहा है, लोग चढ़े हुए हैं और काम करने में लगे हुए हैं। तो व्यू वगैरह कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए और कैसा लग रहा है। थोड़ी धूल वगैरह जो है वो उड़ रही है क्योंकि जो है रोड जो है बिल्कुल खस्ता हो चुकी है हालत, काम हो रहा है ना इसकी वजह से। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। सामने जो है आपको रावतपुर का जो है मेट्रो स्टेशन वो देखने को मिल जाता है। चलते हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसा क्या है कैसा नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। तो अभी क्या है, हम लोग जो है रावतपुर के बिल्कुल नज़दीक में आ चुके हैं, और ये रेलवे क्रॉसिंग है इधर पे रावतपुर की ये, और जो मोती रेव मोती है वो सामने अभी आप देख सकते हो। और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक और वहीं से आपको दिखाएंगे। वैसे पहले भी मैंने जो है रावतपुर के मेट्रो के स्टेशन के वीडियो बना के आपको दिखाया है, लेकिन अभी अपडेट दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी काम जो है वो होता रहता है, तो इसलिए अपडेट देते रहते हैं ताकि आप लोगों को जो सटीक जानकारी है वो मिल जाए कि कहाँ तक जो काम है वो हो चुका है और पहुँच चुका है। तो अभी हम दीपेंद्र भाई से बोलते हैं गाड़ी कहीं पर खड़ी करें, फिर इसके बाद दिखाते हैं और आगे चलो। तो नीचे का व्यू देख सकते हो कुछ इस तरह से है, और हम लोग दूसरी साइड पे चल रहे हैं और वहीं से आपको दिखाएंगे, राइट हैंड साइड पे लेके चलना गाड़ी। अब यहाँ पे धूल ज़्यादा उड़ रही है तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो ये सीढ़ियों का जो काम है वो हो रहा है दोनों साइड पे। उधर उधर से खड़ी चलना चाहिए। तो ये है रावतपुर कुछ इस तरह से, जा के चलना भैया। तो व्यू वगैरह देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है वो देखने को मिल रहा है। और अभी हम लोग निकल चुके हैं रावतपुर से, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये है रेलवे स्टेशन रावतपुर का, और यहाँ से निकलते हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं कि क्या है आगे का अपडेट। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को।
बहुत तेज़ी से हो रहा है और अभी ट्रैफिक देखते तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अभी ट्रैफिक की है यहाँ पे, ये देख सकते हो आगे का व्यू अभी आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है और चल रहे हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे कि कैसा क्या है, तो वीडियो पे बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, पूरी अपडेट देंगे कि कैसा है मेट्रो का पूरा अपडेट और कहाँ पे कितना काम हो गया है। अभी भैया से मैंने एक बात की थी, बोल रहे थे कि जो है लास्ट नवंबर तक फाइनली जो है रावतपुर तक जो है मेट्रो चलने लगेगी। आगे का जो काम है वो हो रहा है, वायर वगैरह जो है वो काम हो रहा है और लाइटिंग का थोड़ा काम हो रहा है, बाकी जो ट्रैक वगैरह है वो कम्प्लीट हो चुका है। थोड़ा मारे हैं बीच बीच में तो अभी पता चल ही रहा तुम्हें, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है और सामने अभी आपको गीता नगर का जो है मेट्रो स्टेशन दिखने लगा होगा शायद, तो पहुंचते हैं गीता नगर और वहां का भी हम आपको अपडेट देते हैं कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो पर बने रहिए और चलते हैं, अभी हम आपको आगे जो है गीता नगर का दिखाते हैं और अपडेट देते हैं कि कैसा है। तो ये देख सकते हो भाई साहब बड़ी भीड़ रहती है यहाँ पे गीता नगर और इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि जो है लाइन पे तो काम हो रहा है यहाँ पे और दूसरी चीज़ है ट्रैफिक तो है ही कानपुर में। तो अभी हम आ चुके हैं गीता नगर, सामने आपको गीता नगर दिख रहा होगा, भैया थोड़ा आराम से चलाना। हाँ वीडियो बनना है, तुम्हारा यार कट गया। हाँ अलता चालू कर दिया फिर से। तो अभी आप देख सकते हो ये है गीता नगर, कुछ इस तरह से जो है व्यू अभी आप देख सकते हो गीता नगर के रेलवे ये मेट्रो स्टेशन का कुछ इस तरह से देखने को मिला है। यहाँ पे डबल लाइन हो गए है। तो अभी हम निकल चुके हैं गीता नगर से और चल रहे हैं गुरुदेव पे, वहाँ पे आप लोगों को जो है अपडेट देते हैं मेट्रो के डिपो का। तो यहाँ से बस जस्ट 1 ही किलोमीटर होगा और कम ही पड़ेगा, तो बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं, अभी निकल चुके हैं। अभी आप लोगों को अपडेट दिया था मैंने जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना हुआ है गीता नगर का, तो यहाँ से आप देख सकते हो 3 लाइन बनी हुई है, जो कि दो लाइनें सीधे कल्याणपुर के लिए निकल जाएंगी और एक लाइन जो है वो सीधे जो है डिपो है वहाँ पे पहुँचती है जाके। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, व्यू वगैरह देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके माध्यम से हमको ज़रूर बताएँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और देख सकते हो यहाँ पर जो मक्का वगैरह बिकने में लगा है, तो आकर आप ले सकते हो, क्योंकि मक्का का सीज़न चल रहा है, बहुत ही मज़ा आता है। और हमने मक्का ख़रीदा था कहाँ पे, कच्चौसी पे, वीडियो देख सकते हो दीपेंद्र भाई के चैनल पे पड़ा हुआ है। तो ये देख सकते हो क्यों व्यू वगैरह कुछ इस तरह से जो है देखने को मिल रहा है। तो निकाल लो आगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये है मेट्रो डिपो, साइड पे ले लो, डिपो पे चलते हैं। तो अभी हम डिपो पे आ चुके हैं कुछ इस तरह से है और जानकारी देते हैं। सामने अगर आप देखते हो तो आपको जो गुरुदेव है वहाँ का मेट्रो स्टेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो ये कुछ था मेट्रो डिपो, ये यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो मैंने आपको दिखाया है सारा। और कैसा लगा है वीडियो कमेंट्स के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।